आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, हंगामे के बीच बिल के पक्ष में 293 वोट पड़े। कर्नाटक उपचुनाव में येदुरप्पा ने दिखाई ताकत, 15 में से 12 सीटें जीतकर सरकार की मजबूत। यूपी में 218 नए फास्ट्रैक कोर्ट को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 114 में दुष्कर्म के मामलों की होगी सुनवाई। भोपाल की पीटिया को न्याय दिलवाने के लिए धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, दुष्कर्मियों को दी जाए फांसी। और भोपाल का पत्रकार भवन सरकार ने तोड़ा, लंबे समय से विवादों में था पत्रकार भवन। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया। इस बिल को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। जब बिल पेश हुआ तो विपक्ष की ओर से इस पर मतदान की मांग की गई। जब वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया। बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम ने बिल का विरोध किया। ऐसे में कुछ सांसद ज्यादा ही जोश में आ गए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कहना पड़ा, इतना जोश मत दिखाया करो। अमित शाह ने कहा कि इस बिल की जरूरत कांग्रेस की वजह से पड़ी। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। इस बिल की जरूरत नहीं पड़ती अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को बांटा। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि हमारे देश की 106 किलोमीटर सीमा अफगानिस्तान से सटी है, ऐसे में उसे शामिल करना जरूरी था। मैं इसी देश का हूं और भूगोल जानता हूं। शायद ये लोग पीओके को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। शाह ने कहा 0.001% भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये बिल नहीं है। भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। क्या आप, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड की बात है। मैं भूगोल को जानता हूं, इस देश की, मैं इस देश की भूगोल को जानता हूं, मैं यही कहूं। अधीर रंजन और अमित शाह में बिल को लेकर तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस बिल के पेश होने से संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है, लेकिन अमित शाह ने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यकों पर कोई असर नहीं होगा। ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष ने इस बिल पर मतदान की मांग की। अब जब वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। कर्नाटक उपचुनाव में बीएस येदुरप्पा ने अपनी ताकत दिखाई और 15 में से 12 सीटें जीत ली। कर्नाटक विधानसभा में अब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस के दावे हवा हवाई साबित हुए। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 15 सीटों में से 12 पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं, जबकि जेडीएस अपना खाता नहीं खोल पाई। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत येदुरप्पा सरकार ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। अब बीजेपी के पास विधानसभा में 117 सीटें हो गई हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 5 अधिक हैं। इस जीत पर मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा कि मैं जीते हुए 12 प्रत्याशियों में 11 को कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा। कर्नाटक में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कर्नाटक के लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब कांग्रेस और जेडीएस वहां के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर पाएंगे। अब कर्नाटक में जोड़ तोड़ नहीं, वहां की जनता ने एक स्थिर और मजबूत सरकार को ताकत दे दी है। अब आज कर्नाटक के लोगों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब कांग्रेस या जेडीएस वहां के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर पाएंगे। ये पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए संदेश है कि अगर कोई जनादेश के खिलाफ जाएगा, जनता का विश्वासघात करेगा, जनता के पीठ में छुरा भोंकेगा, तो पहला मौका मिलते ही जनता उसे पूरी सजा देगी। अब कर्नाटक में जोड़ तोड़ वाली नहीं, वहां की जनता ने
आज मोहर लगा करके एक स्थिर और मजबूत सरकार को नई ताकत दे दी है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव रेप और हत्याकांड ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस बीच योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और राज्य में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की मंजूरी दे दी। इसमें से 114 फास्ट ट्रैक कोर्ट में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में बाल अपराधों से जुड़े मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। उन्नाव पीड़िता को आरोपियों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म हत्याकांड के बाद उन्नाव की घटना ने देश को सख्ते में ला दिया था। एक लड़की ने दो आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में जेल से जमानत से छूटकर आए आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को जिंदा जला दिया था। इस घटना में वह 90% से ज्यादा जल गई थी और दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। इसके बाद से ही आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और राज्य में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने को मंजूरी दे दी। इसमें से 114 फास्ट ट्रैक कोर्ट में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेप के मामले में जल्द चालान पेशों और मामले फास्ट ट्रैक अदालत में भेजे जाएं। एक भी आरोपी बच ना पाए इसके लिए पूरी गंभीरता से साक्ष्य जुटाए जाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। भोपाल की मनुआभान टेकरी पर 8 महीने पहले 12 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद पत्थरों से कुचलकर हत्या के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठे। घटनास्थल रोशनपुरा चौराहे पर स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हैवानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दुष्टता का बर्ताव करने वाले इन लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है। भोपाल की मासूम बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धरना दिया। उन्होंने कहा, आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी की शिकार होती रहेंगी। कोर्ट से भी निवेदन है कि दुष्कर्म के मामलों में तत्वरित एवं कठोर सजा दी जाए। इस दौरान पीड़िता की मां ने रोते हुए कहा कि मैं 8 महीने से न्याय के लिए भटक रही हूं। मुझे कब न्याय मिलेगा कुछ पता नहीं है। डीएनए रिपोर्ट के लिए क्या 8 महीने कम नहीं होते हैं। मेरी बेटी के साथ दिन के उजाले में दरिंदों ने दुष्कर्म किया। कितनी हिम्मत होती है उन दरिंदों में जो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक माँ 8 महीने से दर दर भटक रही है, सिर्फ एक मांग कर रही है, मेरी बेटी को न्याय दो। आखिर कहाँ जाए ये माँ। ऐसा क्रूर काम करने वाले नरपिशाच हैं। हमें अब एक ही बात करनी है कि बेटी के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इससे कम कुछ नहीं। आखिर क्या कारण है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं लिया गया। क्या ये हत्यारों को बचाने की साजिश नहीं है। हमारी मांग है हत्यारों को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाओ, डीएनए रिपोर्ट जल्द मंगवाओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, डीएनए रिपोर्ट जल्दी आए और अपराधियों को मौत की सजा मिले, जल्दी न्याय मिले, इसी को लेकर ज्ञापन देंगे। मांग पूरी हो जाती, न्याय मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होगा तो हम अगले कदम को। शिवराज सिंह ने कहा, मैं कहना चाहूंगा माननीय कोर्ट से अगर बलात्कारी को जल्द सजा नहीं मिलेगी तो जनता हैदराबाद में हुए एनकाउंटर पर ताली बजाएगी। आज हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। हम शराब के अहाते बनाने नहीं देंगे, हम इन्हें बंद करवा रहे हैं। ये व्यवस्था बहुत घातक होगी। आज बिटिया का परिवार अकेला नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर की तर्ज पर भोपाल में भी दुष्कर्म की शिकार बच्ची को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अच्छा भला भोपाल का पत्रकार भवन पत्रकारों की राजनीति का शिकार होकर रसातल में चला गया। पत्रकार भवन की लीज रिन्यूअल की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिए जाने के बाद प्रशासन ने पत्रकार भवन को तोड़ दिया। सरकार का कहना है अब इस जगह नया मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम के अफसरों के मुताबिक पत्रकार भवन की लीज रिन्यूअल की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिए जाने के बाद सरकार इस इमारत और इसमें संचालित कार्यालय को अवैध मान रही थी। इस आधार पर सरकार ने इस इमारत को गिराने की तैयारी करने के निर्देश जिला प्रशासन और नगर निगम अमले को दिए। हालांकि पत्रकार भवन की लीज का मामला हाईकोर्ट से खारिज किए जाने के बाद श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। इस भवन को गिराने के लिए सरकार और
प्रशासन के आला अफसरों ने रविवार देर रात बैठक कर रणनीति बनाई। तड़के 5 बजे प्रशासन नगर निगम के अमले ने भारी पुलिस बल के बीच इस भवन को ढहाने की कार्रवाई शुरू की। इसके लिए करीब आधा दर्जन जेसीबी और अन्य मशीनों का उपयोग किया गया। पत्रकार भवन के मलबे को भी हटाने का काम शुरू कर दिया गया। यह पत्रकार भवन लंबे समय से विवादों में रहा है। पत्रकार भवन पर कब्जे को लेकर 2 पत्रकार संगठन झगड़ रहे थे। इसके बाद मामला सरकार से होते हुए कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने लीज रिन्यूअल की रिव्यू पिटीशन भी खारिज करते हुए भवन को अवैध माना। हाई कोर्ट ने श्रमजीवी पत्रकार संघ और पत्रकार भवन समिति की याचिकाएं खारिज कर दी थी। जस्टिस सुजाय पाल की एकल पीठ ने कहा कि संघ और समिति उक्त जमीन पर अपना अधिकार साबित करने में विफल रहे हैं। 1969 में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को उक्त जमीन आवंटित की गई थी। पिछली भाजपा सरकार के समय भी इस भवन की जगह नए मीडिया भवन को बनाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरी का कहना है कि पत्रकार भवन की जगह पर सर्व सुविधा युक्त वर्ल्ड क्लास मीडिया भवन बनाया जाएगा, जिसमें पत्रकारों के लिए बैठने के अलग कॉमन हॉल, पुस्तकालय, मीडिया सेंटर, वाईफाई कैंटीन समेत हर तरह की सुविधा रहेगी। मध्य प्रदेश महिला अपराधों में पहले नंबर पर है, वहीं ऐसे मामलों में सजा देने के मामले में भी MP नंबर 1 है। लोक अभियोजन महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, पिछले 2 साल में जघन्य अपराधों के 32 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है, लेकिन इनमें से ये एक भी फांसी के फंदे तक नहीं पहुंच पाए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से जघन्य अपराधों के 32 आरोपितों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। यह बात लोक अभियोजन महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने मालनपुर के विकास भवन में कही। विकास भवन जिला अभियोजन अधिकारी सहायक अभियोजन अधिकारियों की संभागीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में 35 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। लोक अभियोजन महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में विटनेस हेल्प डेस्क शुरू की गई है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कराया गया है। इसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग भोपाल में होगी। इसमें गवाह का नाम, केस, पता, उम्र आदि संपूर्ण जानकारियां रहेंगी। इसका मूल उद्देश्य न्याय दिलाना, गवाह को सुरक्षा प्रदान करना, उसे यात्रा भत्ता आदि दिलाना है। महानिदेशक शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर के सभी जिलों में जिला अभियोजन कार्यालय खोलने के लिए उन्होंने जमीन चिन्हित करवा ली है। जल्द ही शासन को 500 करोड़ का प्रस्ताव देंगे। इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश भर में अभियोजन के कार्यालय निर्मित कराए जाएंगे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। के बाद आपका स्वागत है। इंदौर की शांति कुंज कॉलोनी में जीतू सोनी के दूसरे बंगले के अवैध हिस्से पर भी नगर निगम का बुलडोजर चला। सोमवार अलसुबह से नगर निगम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और 2 पोकलिन मशीनों के जरिए उन्होंने अवैध हिस्सा गिराया। बताया जा रहा है जीतू सोनी ने बगीचे की जमीन पर यह निर्माण किया था। हनी ट्रैप मामले में बड़े खुलासे के बाद सरकार ने जीतू सोनी को नेस्तनाबूद करने के लिए कई कदम उठाए। अब शांति कुंज कॉलोनी में बने सोनी के बंगले के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। बताया जा रहा है ये बंगला कॉलोनी के बगीचे की जमीन पर बना हुआ था, जिसमें 2000 वर्ग फीट पर बंगला बना था और 6 से 7 हजार वर्ग फीट जमीन पर कब्जा किया गया था। शांति कुंज कॉलोनी के रहवासियों ने इसकी शिकायत पुलिस को की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह जीतू सोनी ने मंदिर और बगीचे की जमीन पर इसे बनाया है। नगर निगम के अपर आयुक्त रजनीश कसेरा भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। उनके साथ यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस और निगम कर्मी भी मौजूद रहे। इसके पहले जीतू सोनी के माय होम होटल, बेस्ट वेस्टर्न होटल, O2 कैफे और बंगले पर भी नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अवैध हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की थी। माय होम होटल से महिलाओं को भी बरामद किया गया था, जिनसे पूछताछ में पता चला कि माय होम होटल में उनसे डांस करवाया जाता था और ग्राहक जो पैसे उन पर लुटाते थे उनमें से ज़्यादातर हिस्सा जीतू सोनी रख लेता था। पुलिस ने फरार जीतू सोनी की तलाश भी तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार उसकी लोकेशन मुंबई में मिली है, लेकिन इस सब कार्रवाई के बाद सवाल उठता है कि जब ये सारे के सारे निर्माण चल रहे थे उस समय स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, और अगर जीतू सोनी ने गलतियां की हैं तो उस समय मौजूद अधिकारी जो इसमें सहभागी रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का दिल्ली धरना ऐतिहासिक होगा। पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि जीतू सोनी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से शिवराज सिंह परेशान हो रहे हैं।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि शिवराज सिंह का हाल सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा है। उन्हीं के समय केंद्र ने रिपोर्ट जारी की थी कि मध्यप्रदेश महिला अपराध में नंबर एक पर था। जीतू सोनी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से शिवराज सिंह परेशान हो रहे हैं। इनके उससे पिछले 15 साल से संबंध थे, अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो शिवराज सिंह परेशान हो रहे हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व ऐतिहासिक होगा दिल्ली का धरना, 50,000 कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। हरदा, खंडवा, विदिशा और होशंगाबाद होते हुए 13 दिसंबर को शाम 4 बजे विशेष ट्रेन दिल्ली रवाना होगी। ट्रेन एक पूरी की पूरी ट्रेन 13 तारीख को शाम को 4 बजे यहां से भोपाल से जाएगी, जिसमें होशंगाबाद, हरदा के लिए और विदिशा के लिए जगह जगह के लिए वहाँ बोगियाँ रिजर्व रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 50,000 लोग जाने की वहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में उम्मीद है। और ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये पहली बार कोई इस तरह का प्रदर्शन हुआ, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता रुकेगा नहीं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आरोप लगाया कि प्याज वालों और यूरिया वालों से सरकार के नुमाइंदों का गठजोड़ है। मिश्रा ने कहा, रोड पर गड्ढे हैं या गड्ढे में, सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने प्याज और यूरिया की कालाबाजारी को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के नुमाइंदों का प्याज वाले और यूरिया वालों से गठजोड़ है, इसीलिए लगातार इनकी कालाबाजारी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार गड्ढों को भर नहीं पा रही, रोडों में गड्ढे हैं या गड्ढों में है, सरकार कुछ समझ नहीं आता। ये लोग हमारी सरकार के किए गए कार्यों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, सरकार पुताई तक नहीं करवा पा रही है इन बिल्डिंगों की जो हमारी सरकार के समय बनाई गई। बढ़ाते नहीं तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ संभाल लेते तो अच्छा लगता, ये तो घटाते चले जा रहे हैं। सड़क नई नई बनाते कोई बात नहीं थी, पर जो थी उनके तो गड्ढे नहीं होने देते, पर गड्ढे ही नहीं भर पा रही है ये सरकार। हमने जो बिल्डिंगे बना दी है उनकी पुताई नहीं कर पाई ये सरकार, हर मोर्चे पे असफल है। किसान को कर्जा माफ का कहा 2 लाख का, 10 दिन में आज तक नहीं, नौजवान को 4,000 रुपए देने का कहा आज तक नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। एक नवविवाहिता को जलाकर मारने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहे हैं। आरोपी को संरक्षण देने का आरोप कांग्रेस विधायक पर लग रहा है। मृतक महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को कांग्रेस के विधायक ने संरक्षण दे रखा है। छतरपुर में नवविवाहिता को जलाकर मारने वालों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मामला भंगवा थाने के नदीखेरा का है, जहां 1.5 महीने पहले नवविवाहिता सुशीला लोधी को उसके ससुराल पक्ष के 5 लोगों ने केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मार दिया था, जिसका इलाज के दौरान परिवार के लोगों ने कैमरे से बयान रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर जलाने का आरोप लगा रही थी। पुलिस ने इस घटना का मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों को हत्या की धारा नहीं लगाई। 1.5 महीने से परिवार पुलिस के चक्कर लगा रही थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। परिवार का आरोप है कि बड़े मलहरा कांग्रेस के विधायक प्रद्युमन लोधी SP पर दबाव बना रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाए और पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाकर राजीनामा करवा दिया जाए। आरोपियों को विधायक का संरक्षण होने की वजह से आरोपी पीड़ित परिवार को राजीनामा करने की धमकी देकर खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने एडिशनल SP को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एडिशनल SP ने भी जल्द ही आरोपियों पर इनाम घोषित करने की बात कही है। दीपावली के बाद घी है, दीपावली के बाद हमने बस घी का है तो मारी पीटी करी और 4 लीटर तेल डाया था और मतलब जाने आगे लगा दी निहान अगर छिड़िया चला जाए छिड़िया में पाउंड के चले से आगे लगा दी और जो चार एक जने ये पके हैं वो लड़का मारत रहा पल हमारी मोड़ी में मानो दिल्ली में जो मौजा सी ने बताया पल काफे पुलिस का कार्रवाई कुछ नहीं की आज तक, पुलिस उसकी कार्रवाई में गई ही नहीं है। क्यों नहीं कर रही, क्या वजह है? इसे दबाव से विधानसभा में बड़ा मलेरा है, दबाव कारण नहीं जा रहा है। किसके दबाव में? विधायक हैं ये भी 3 कौन विधायक है तो देखो पेड्रोम रात की घटना है 10वें महीने की, उस दिन उन लोगों ने तेल डाल के आगे सुहागी जला दिया। किसने किन्ने? उनके ससुराल वालों ने, सभी लोगों ने, 6 जनों ने। उन लोगों के पास मौली FIR तो दर्ज कर ली पुलिस ने, क्योंकि उनको गिरफ्तार नहीं किया।
क्यों नहीं कर रहे गिरफ्तार? वो उनके बड़ा महल है क्षेत्र के, उनकी क्षेत्र के विधायक जो प्रद्युम्न लोधी उनकी इसे नहीं कर रहा है। वो एस पी साहब के पास भी आके एस पी साहब भी हो जाएंगे, इसमें क्या है, वो कार्रवाई करती है, गिरफ्तार हो जाएंगे। थाना भगवा क्षेत्र का मामला है, इसमें एक नंबर वाई का जाँच उपरांत प्रकरण पंजीकृत हुआ है। एस डी पी बड़ा मलहरा इसकी जाँच कर रहे हैं, आरोपी लगातार तलाश की जा रही है, आरोपी नहीं मिले, मेरा नाम खान की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। आरक्षण के 10 साल बढ़ाए जाएं के केंद्र सरकार के फैसले का सपाक्स ने विरोध किया है। सपाक्स ने कहा कि ये केंद्र सरकार का सवर्ण व ओबीसी के ऊपर कुठाराघात है। सिंगरौली में सपाक्स सहित कई संगठनों ने केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण को 10 सालों के लिए बढ़ाए जाने के विरोध में सिंगरौली जिले में बंद रखा, जिसका व्यापक असर रहा। सपाक्स सहित परशुराम सेवा भारतीय ब्राह्मण महासभा और अन्य कई सामाजिक संगठनों ने बंद को पूरा समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर दुकानें बंद कराई, जिसको व्यवसायियों ने पूरा समर्थन देकर अपनी दुकानें बंद रखी। सपाक्स के नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने सवर्ण व ओबीसी के ऊपर कुठाराघात किया है, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सपाक्स ने कहा केंद्र सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे हुए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 10 वर्ष के लिए पुनः आरक्षण बढ़ाया गया था, जिसके विरोध में हम सब इकट्ठा हुए हैं। केंद्र सरकार अगर आरक्षण लागू करे तो आर्थिक आधार पर करे, जातिवाद पर न करे और समाज को दो वर्गों में बांटने का प्रयास न करे, यही हम केंद्र सरकार से आग्रह अनुरोध कर रहे हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से जुड़े सवालों को उठाया। सांसद ने वस्त्र मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी से विभिन्न बिंदुओं पर सवाल भी किए, जिनका जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि ईसीएल मामले में सीबीआई द्वारा जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इस समय पर अन्य बुलियन पार्टियों को भुगतान जारी करने पर विचार करना संभव नहीं है। सांसद महंत ने वस्त्र मंत्री से जानना चाहा कि क्या मैसर्स हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैसर्स ईपीएस लिमिटेड के अतिरिक्त अन्य छोटे बुलियन पार्टियों को लंबित भुगतान के संबंध में बेदाग और चूक रहित ट्रैक रिकॉर्ड वाली फर्मों के साथ दागी फर्मों को जोड़कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छवि को खराब कर रहा है। सीबीआई की छवि खराब करने के लिए क्या एचएचईसी के अधिकारियों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की गई है? एचएचईसी के द्वारा सीबीआई से मांगे गए स्पष्टीकरण और उसका दिए गए जवाब का भी ब्यौरा श्रीमती महंत ने जानना चाहा। श्रीमती महंत के सवालों के जवाब में वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बताया कि सीबीआई की छवि को खराब नहीं किया जा रहा है, एचएचईसी ने ईसीएल की राशि रोक दी है, एचएचईसीएल ने अन्य बुलियन पार्टियों का भी भुगतान रोका है, ईसीएल के विरुद्ध सीबीआई जांच जारी है। श्रीमती ईरानी ने बताया कि चूंकि ईसीएल मामले में सीबीआई द्वारा जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए इस समय पर अन्य बुलियन पार्टियों को भुगतान जारी करने पर विचार करना संभव नहीं है, क्योंकि ईसीएल के विरुद्ध सीबीआई मामले के प्रतिकूल परिणाम से अन्य मामलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।